these brothers, my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Assalamualaikum, hello and welcome back to my channel Rani Real Vlog. और आप सब कैसे, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको ईद मुबारक हो। आज ईद मुबारक हो, तो जैसे कि मैं थोड़ा सो करती हूँ, पहले मैं शीर खुरमा चढ़ा देती हूँ और मैं आपको रेसिपी आज नहीं दिखाऊंगी, बस मैं इतना बता देती हूँ आज क्या क्या बनाना है, बनना है तो यही सब है। जो भी होगा थोड़ा थोड़ा मैं दिखा दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सब रेसिपी दिखाने जाएंगे तो टाइम भी लग जाएगा। जो जो मेन मेन रहेगा वो आपको मैं शेयर करती रहूँगी। तो अभी बच्चे लोग सो के, अभी उठा नहीं है, अभी सुबह का 5:30-6 बज रहा है तो अभी उठाया नहीं है उन लोगों को। थोड़ा सा घर पहले सेट कर ले, उसके बाद उन लोग उठाएंगे, तो अभी से उठेगा तो बदमाशी करेगा। तो चलती हूँ फटाफट से, अपने कामों में लग जाती हूँ। तैयारी चल रहा, तो यहाँ पर मैं शीर खुरमा का भी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मेरा दूध भी तैयार है और समय भी तैयार है, तो मैं फटाफट से रेडी करती हूँ। यहाँ फटाफट से मैं ड्राई फ्रूट्स को, मतलब थोड़ा सा तेल में सोटे करा है और समय मैंने खास शीर खुरमा वाला नहीं लिया, कोई भी समय आप डाल सकते हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ रहा है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बना कर तैयारी चल रहा है। मेरा लड़का कल ही ना आया है अभी, और घर में पूरा ऐसे काम पड़ा हुआ है, तो अभी जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पर अभी काम का बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए पूरा प्रॉपर बनके तैयार हुआ है। तो इसमें मैंने 1.5 लीटर दूध डाला था, और दूध जो पकते पकते सूखता है, और ज़्यादा मैंने ये नहीं, बस जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छा लगता है वो आप डालो, बढ़िया। यहाँ पर नमाज़ का वक्त हो चुका है, देखिए नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा है बहुत आदमी। यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ अपने दूसरे आइटम की तरफ, जो कि दही बड़ा है। और दही बड़ा का दाल मैंने पीस के पहले से रेडी था, सिर्फ मैंने सवेरे उठा, फिर भी मुझे थकावट और नींद लग रहा था, क्योंकि इतने रात में मैंने मार्केट से भी आई थी। तो मैंने तेल में देख लिया कि मतलब तेल जो होता है बड़ा ना, वो ऊपर आ गया, तेल से उठ के ऊपर आ गया, तो मतलब मेरा बड़ा एकदम परफेक्ट पक्का है। और माशाल्लाह मैंने ज़्यादा ना घाटा ना कुछ, मैंने सिर्फ सिंपल सा थोड़ा सा सोडा डाल के पीस के रखा था, और इसमें मैंने ज़ीरा और किशमिश पीस दिया था बस वही, और अदरक में पीसी नहीं थी इसलिए अदरक का मैंने अदरक का सौंट डाला। यहाँ पर मैंने बड़ा का जो पानी है उसे रख लिया है, नमक, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा मैंने हींग डालूँगी। हींग जो कि है ना, स्वाद भी बढ़ता है और पचता भी है। तो माशाल्लाह से दही बड़ा बहुत अच्छा हुआ है, मेरे घर में सबको पसंद आया और एकदम मतलब जो है। तो यहाँ ये पानी वानी मैंने चढ़ा रखा है, और मेरा जो बड़ा है फ्राई होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर तो देखा आपने, फ्राई करने जा रही हूँ मैं, और यहाँ पर अलग से मैंने बैटर को पहले ही रेडी कर दिया था, पीस करके मैंने साइड कर दिया था, सिर्फ सोडा डाल के और मज़े का फूल के फ्लफी होके तैयार था। तो इसमें जैसे कि आपको बताएं, हल्का फुल्का ही ज़ीरा डालें, अदरक का सौंट डालें और नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालें, और किशमिश तो मैंने पीसा ही था, किशमिश तो ज़रूरी है पीसना क्योंकि मिठास आता है बड़ा में, और मैंने सॉल्ट थोड़ा सा डाला पर बहुत टेस्टी हुआ था माशाल्लाह। मैंने पूरा रेसिपी कहाँ आप सबको दिखाए हैं, क्योंकि दही बड़ा का थोड़ा मैंने आपको खास करके दिखा। बड़ा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, वो ऐसे ही नरम है, तो मुझे पानी में डालने का दरकार नहीं था, फिर भी मैं इसमें शौक करूँगी। और मैं अब इसे यहाँ पर जो मेरा कढ़ाई का पानी है गुनगुना गर्म हो गया, तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं सारे बड़े को डाल करके इसे थोड़ा सा पानी गुनगुना है, अभी भी इसे छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए। तो यहाँ माशाल्लाह मैंने चिकन का भी मैरिनेशन करके रखने वाली हूँ, जैसे कि आप जो भी प्रोसेस देखते मेरा बराबर का, उसी टाइप से मैंने बनाया है। सारा मसाला डाला है मैंने इसमें, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, और इसे मैं मैरिनेट करके रखूँगी। और ज़्यादा नहीं, सिंपल मैं वेज पुलाव और चाप बना रही हूँ चिकन का, ग्रेवी वाला थोड़ा। यहाँ पर तेल कढ़ाई भी चढ़ा दिया, तो तभी से मैरिनेट करती हूँ। और आप जान रहे हैं 5:30 से उठे हैं, सुबह से तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर नमाज जो है वो 8:55 में है, तो इसलिए। और यहाँ तेल में मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, और यहाँ मैं तैयार है नमाज की बेटा, फ्रेंड्स को सलाम करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ मेरा मुंह बोला भाई है, तो ये लोग खेल रही है उसके साथ, अली नाम है तो खेल रही है। देखिए नमाज तो हो रहा है, पर बारिश भी आज हो चुका है, बज रहा है,
8:55 और नमाज का वक्त हो चुका है। माशाल्लाह देखिए हमारा बेड, और ये कर्टन लगा दिया है मैंने जो कि पहले का ही था, तो पिंक में पिंक कलर सही लगता है इसलिए मैंने उसी चीज़ को लगा दिया। कुशन कवर मैंने लाया नहीं, टाइम नहीं था और टाइम इतना मतलब बिजी थे हम कि मतलब टाइम ही नहीं निकल पाया, तो जो जो लगा वो लगा दिए। इंशाल्लाह अगर मुझे जो मेरा मन चाहा चीज़ मिलेगा तो मैं ज़रूर सब कुछ अलग से एक्टिव करूँगी। और अभी जो भी हुआ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी तक मैंने वहाँ भी साफ नहीं किया क्योंकि मैं रात में बहुत लेट आई भी थी घर पर, ख़रीदारी करके नहीं कर सकी कुछ। यहाँ देखिए मेरी लड़की रेडियो की निशा सलाम, तो देखिए माशाल्लाह ये ठीक ही लग रही, नॉर्मल था, घर पर सिलवाए हैं। और यही सब, अभी खाना भी पकड़ा और नमाज के वक्त है तो वो लोग आते हैं तो कुछ देते मेरा बेडशीट। सेल्वी यहाँ मैंने देखी मैं, अब मेरा समय आ गया पुलाव बघारने का। यहाँ मैंने तेल घी मिला के लिए हैं और पचफोड़न गरम मसाला जो होता है वो डाले हैं, और बस ज़्यादा नहीं वेज पुलाव बना रहे तो सिर्फ पचफोड़न खरीद कर रहा है मुझसे। लौंग इलायची दालचीनी और गरम मसाले ही डाले हैं मैंने, और गाजर को चावल का लेंथ पर मैंने काट लिया है। और यहाँ अदरक लहसुन का थोड़ा सा जूस डाले हैं, और यहाँ देखिए इसके पापा भी नमाज पढ़ के आ चुके हैं। और ये सब कुछ सबका हो गया, सिर्फ मैं रेडी नहीं हूँ, मैं पकाने के बाद रेडी होंगी और नॉर्मल सा कपड़ा पहनूँ क्या रेडी होना है। तो बताओ खा के कैसा बना मेरा शीर खुरमा, ज़्यादा नहीं फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू। यहाँ पर मैं दही बड़ा को अच्छे से गार के निकाल रही हूँ, सारे दही मतलब बड़े को दही में डिप कर रही हूँ, और जब किसी को देना होगा ना तो इसमें से मैं निकाल करके और मसाला वगैरह देके सर्व करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक हो, और आज जो है फाइनली ईद है, और ईद में जो भी स्पेशल होता है हर किसी के घर पर तो वही सब मैंने बनाया। और मैंने जो नॉर्मल सा एक कॉटन का कपड़ा है और दुपट्टा मैचिंग नहीं मिला तो मैंने वाइट वाला पहले वाला पहन लिया आखिरी जुमा वाला। चलिए मैं दिखाती हूँ खाना में क्या क्या है माशाल्लाह से। जा अभी मैंने नान नहीं बनाया, नान रात में बनाऊँगी। यहाँ पर वेज पुलाव है, यहाँ पर शीर कौरमा, यहाँ पर जो है चिकन कौरमा है, ये यह सैलेड है, यहाँ पर दही बड़ा है, बस यही आइटम है। अब रात में जो है मैं वो नान बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं नान का रेसिपी आप लोग को दूंगी, और नहीं तो मैं बस बना ही रखूंगी और आप लोग को सिर्फ दिखा दूंगी, तो दोनों हो सकता है। तो आइए सब खाने में इंतजार हम करें, हमें बहुत जोर भूख लगा, चलिए आइए आप सब दिखाइए बिस्मिल्लाह कीजिए। तो बस अकेले आदमी इतना ही करता तो बहुत है, और माशाल्लाह मैंने जो भी तैयारी की बहुत है। और दूसरा दिन देखती हूँ मुझे क्या बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि तीनों दिन तो माशाल्लाह हमारे मेहमान कोई ना कोई आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसी हिसाब तो मैंने नमाज भी पढ़ लिया था दूरे का शुक्राना का, तो अभी मैं खाने में बैठी हुई है तो इंतज़ार करें, देखिए ये लोग बदमाशी कर रहा है, तो अभी मैं बैठी हूँ इंतज़ार में और आप सबका। तो फ्रेंड्स खा पी के मैं सोई, इतना सोई कि अभी उठी हूँ और अब बज रहा है शाम का 7, आपको हम दोपहर में बात किए थे, और अभी देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं, चलिए तो चाय दिखा दें। आइए आप भी पीजिए, सर में बहुत दर्द भी हो रहा है, चलिए चाय पीते हैं। आइए बनाएं चाय, है ना, चाय तुम बनाए ना माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तो आज भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आज बहुत बड़ी हम लोग का ईद है तो माशाल्लाह से थोड़ा सा काजल का टिकली लगाया है, थोड़ा लिपस्टिक लगाए हैं और नॉर्मल सा कॉटन का सूट पहने हैं जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है, और दुपट्टा कहीं पर नहीं मिल रहा था तो मैंने वाइट वाला ही पहन लिया जो कि आखिरी जुम्मा को पहना था, अलविदा जुम्मा को है, तो सोच रहे थोड़ा सा सामने यहाँ वहाँ से घूम के आ जाए, तो अगर कुछ हो सका तो वीडियो करेंगे, नहीं तो प्लीज़ डोंट माइंड। और चलते हैं अभी, और मेरा बेड है बेडशीट, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए चलते थोड़ा सा बाहर, अब बाहर से घूमने के बाद मैं देखती हूँ कि वीडियो कितना बड़ा हो रहा कितना छोटा हो रहा, उसी के हिसाब से आपको वीडियो एडिट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वाओ, और हाँ फ्रेंड्स
मैंने कोई कुछ भी नहीं करवाया इस बार, ना हेयर कटाने का, हेयर कटिंग करने का टाइम मिला, ना ही आईब्रो बनाने का टाइम मिला, तो कुछ भी नहीं मैंने करवाया है। नॉर्मल मुँह धोया, थोड़ा सा क्रीम लगाया, लिपस्टिक लगाएं, बस यही कुछ है और कुछ भी नहीं। मैंने अभी तक आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं किए, तो माशाल्लाह चलो ऐसे ही ठीक है। और आप लोग भी पता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। घूमने के बाद आ गए थे, चाय पीनी थी हमें, और यहाँ माशाल्लाह चाय जो है बहुत बेहतरीन मिलती है। यहाँ बहुत वैरायटी चाय में, मतलब ओवर ओवर, तो हम लोग ने चाय किया, मस्त चाय पी, और इन लोगों ने रोल लिया एक रोल, तो मुझे तो माशाल्लाह चाय साय हो गया। और मैं अब आ चुकी हूँ घर पर, और अभी जस्ट घर में घुसी हूँ। सबसे सर में आज बहुत दर्द हो रहा है मेरा, और हल्का फील नहीं करी जा रही। तो यहाँ हम आए तो रात हो चुका था, और मुझे रोटियाँ बनानी थी, तो मुझे नान बनाना था, तो यहाँ नान तो नहीं बना, मतलब उसी टाइप पर कुछ पराठा बना, जो कि मैदा का पराठा हार्ड होता है, पर ये वाला पराठा बहुत ही नरम। और यहाँ मैंने मैदा तो ले आया 2 कटोरा, और इसमें नमक और चीनी मैंने ऐड किया था, क्योंकि खमीर मेरा नहीं मिला था, मैं खमीर से ही नान रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने दही, आधी कटोरी दही लिया था। यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया, जिससे कि बहुत ही आसानी से मैंने, मतलब होता है ना, नान को थोड़ा सा देर छोड़ना पड़ता था 1 घंटा, तब वो फ्लफी होता है, तो मुझे उतना टाइम नहीं था, क्योंकि रात में घर में घुसी, तो बस झट से बना के लोगों को देना था, भूख लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने मक्खन लिया है, और इसी तरह से मैं अच्छे से गूंद लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सूप डो बना लूँगी। बनाने के बाद मैंने ज़्यादा, और आपको खाने का भी सर्व नहीं किया, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, और नींद और थकावट वैसे ही था, सारा चांद रात और ईद का थकावट एक्सल था। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर कमेंट कीजिएगा। और एक बार फिर से आपको ईद मुबारक, और मेरा ये जो वीडियो जाते जाते शायद दूसरा ईद हो जाए, या तीसरा भी हो सकता है, क्योंकि एडिट करना बनाना